गोवर्धन तहसील वासियों को अब मिलेगा आवारा गाय व गौवंश से छुटकारा। गोवर्धन तहसील वासियों की समस्याओं को राहुल यादव गंभीरता से लेते हुए तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम प्रधानों को बुलाकर एक बैठक ली, जिसमें IM राहुल यादव द्वारा सभी ग्राम प्रधानों को अस्थायी गौशाला बनाने की बात कही तथा रोड पर घूम रही आवारा रूप से गाय व गौवंशों को गौशाला में भेजा जाएगा तथा सरकार से मिलने वाली धनराशि को उन्हें अस्थायी गौशाला के सेवा के रूप में लगाए जाएंगे। यह गौशाला सरकार तथा गांव के निवासियों के सहयोग से संचालित की जाएगी, जिससे रोड पर घूम रही गाय की ताजा स्कोर कंट्रोल करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान होगी तथा किसानों को भी आवारा पशुओं की समस्या से आ रही खेतों में दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा। सर, गोवंश को लेके आपने आप ग्राम पंचायत प्रधानों की आज ब्लॉक पर मीटिंग की है, सर क्या कुछ मामला रहा? क्या इसमें आज ये तय किया हम लोगों ने मीटिंग में, जो भी गांव में जितने भी जानवर हैं गोवंश हैं उनको वहीं पे अस्थाई रूप से स्थापित करने का हम लोगों का प्लान है। लगभग एक गांव में 30 से 40 गोवंश हम लोग अपनी ओर से रखवाएंगे वहाँ पे। जो भी वहाँ के ग्राम प्रधान थे वो सारे लोग थे अभी मीटिंग में, वहाँ पे जो भी था सब उनके द्वारा इस संबंध में बोला गया कि ठीक है साहब, हम इनको अपने गांव में स्थापित करेंगे ताकि स्थायी गौशाला हमारा गोवंश रोड पे ना आए। क्या सर, स्थायी गौशाला बनाई जाएंगी या फिर अस्थायी गौआश्रय स्थल स्थापित कर रहे हैं हम लोग हर गाँव में। सर, उनकी देख रेख का क्या सिस्टम रहेगा उसमें? देख रेख के लिए सरकारी जो है वो भी है सारा कुछ इंतजाम, और जो भी गांव के लोगों का भी इस चीज़ में सहयोग रहेगा। सामूहिक एक तरीके से हम लोगों का प्रयास है कि यहां पे जो भी ये गोवंश की समस्या है इसका हम लोग मौके पर समाधान कराएं।